नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो वे आज आपके लिए 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, यानी आप इसको मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो यानी जो पिछले कुछ एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को, यानी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपके ये जो 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, मैं आपको आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपके 25 के 25 क्वेश्चन ऐसे रटा दूंगा, आप इनको भूल नहीं सकते। तो नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? तो आईसी चिप्स बनी होती है सिलिकॉन की, यानी जो आईसी चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी चिप किसकी बनी होती है? यानी सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी होती है यानी नील नदी है। नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नेक्स्ट देखते हैं, अलमती बांध, अलमती बांध किस नदी के किनारे बना हुआ है? अलमती बांध किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो ये ऑप्शन सी यानी कृष्णा नदी के किनारे अलमती बांध बना हुआ है। अलमती बांध है जो कृष्णा नदी के किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के सबसे सबसे देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। दिया है क्वेश्चन में कि राज्यों में से, निम्नलिखित राज्यों में से अपने सुंदर सागर पुलिनो के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? पुलिनो यानी सागर पुलिनो के लिए सबसे सुविख्यात है, तो ये हो जाता है गोवा, यानी गोवा हो जाता है अपने अपने सुंदर सागरों पुलिनों के लिए सुविख्यात हो जाता है गोवा। नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार किस स्थान पर वितरित किए जाते हैं? तो उस स्थान का नाम बताना है जहां पर नोबेल शांति पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार किस स्थान पर, यानी ओसेलो ओस्लो ओस्लो स्थान है, ओस्लो नामक स्थान है जिस पर नोबेल शांति पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो नामक स्थान पर वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखता है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये श्रीमती श्रीमाओ भंडारे नायक, श्रीमती श्रीमाओ भंडारे नायक विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री यानी श्रीमती श्रीमाओ भंडारे नायक, तो आप को याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, खगोल खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए किस भारत में जन्मे वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स में के लिए किस भारत में जन्मे वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था यानी प्रोफेसर चंद्रशेखर को, प्रोफेसर चंद्रशेखर को दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, डी जिन ड्रिक्स नाम पुस्तक का लेखक कौन है? डी जिन्स नाम पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है सागरिका घोष, सागरिका घोष। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? यानी किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को दिखा राजवंशों में से, यानी राजवंशों में से बताना है कि किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो ये है चोल, यानी चोल वंश था, जो चोल राजवंश था इसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन टेनिस में ग्रांड
स्लेव लोल टेरिस वे ग्रैंड स्लेव का क्या अर्थ है? लोन टेरिस वे ग्रैंड स्लेव का क्या अर्थ है? तो इसका है विंबलडन अमेरिकी ऑस्ट्रेलियाई एवं फ्रेंच ओपन चैम्पियनशिप एक ही वर्ष में जीतना, यानी विंबलडन अमेरिकी ऑस्ट्रेलियाई एवं फ्रेंच ओपन चैम्पियनशिप एक ही वर्ष में जीतना। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे उल्लेखित प्रायद्वीप भारत की नदियों में से किसका प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर है? यानी भारत की नदियों में से बता रहा है कि किसका प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर है, यानी इनमें से ताप्ती नदी है जिसका प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर है। ताप्ती नदी का प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर है। नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है तो आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ओलंपिक में प्रथम बार कब शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में भारत ओलंपिक में प्रथम बार शामिल हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये भारत एवं चीन के मध्य पंचशील समझौता भारत एवं चीन दो देशों के मध्य हुआ। उसके बाद देखते हैं, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, मुंबई, तो मुंबई में भी नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, इसमें भी नहीं है। चेन्नई भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? शांति निकेतन है जो निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो शांति निकेतन श्री अरविंद जी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो ब्राज़ील कॉफी का सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है विश्व महिला बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा टका है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1945 में। नेक्स्ट देखते हैं, IAEC का पूरा नाम भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग आई ई
IAEC का पूरा नाम है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। देखिए सभी स्टूडेंट के ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो पाने के लिए। वे आपको डेली एक इसी तरह से प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा और इसमें से ही आपके क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। थैंक यू।